किया होगा ना, मुझे पता है। ये तुम लोगों के अलावा कोई नहीं कर सकता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे आप देख रहे हो, अभी इतनी गंदगी फ्रिज में हो गई है, तो उसको मुझे क्लीन करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले सामान मुझे सारा निकालना होगा, जिससे कि मेरा काम आसान हो जाए। तो मैं सामान निकाल ली हूँ, तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फ्रिज से जितना भी था सामान मैंने निकाल लिया है। तो अब सेकेंड नंबर करती हूँ मैं, ये प्लग को निकाल देती हूँ, जिससे कि कोई वायर वगैरह ना रहे। क्योंकि जब फ्रिज का काम करे तो वायर को ज़रूर निकाल दे, जिससे कि करंट लगने का डर रहता है। क्योंकि पानी का काम होता है तो उसमें करंट ज़रूर उतर ही आता है थोड़ा बहुत। तो अब हमें लेना है गर्म पानी, जैसे मैं गर्म कर लिया है, तो मैंने थोड़ा पानी इसमें कर लिया गर्म, उसका बाद में यूज़ करूँगी। अब मैंने ग्रीन वाली बाल्टी में डाल दिया है, तो अब मैं डालेंगे डिश वॉश डाला है मैंने, एक शैम्पू डाला है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सोडा डाल देंगे, जिससे कि इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इसे साफ़ करेंगे। सोडा वैसे भी खाने में काम आता है, सफाई में भी बहुत ही काम आता है। तो साथ में बने रहिएगा ब्लॉग में। जितना बचा हुआ पानी था वो मैंने फ्रिज के नीचे बिल्कुल क्लीन कर लिया है, जिसकी फ्रिज के नीचे गंदगी ज़्यादातर जमी जाती है। तो अब मैंने लिया है एक साफ़ कपड़ा और उससे मैंने बिल्कुल और फिर से क्लीन कर दिया है, जिससे कि ज़रा सा भी उसमें मॉइस्चराइजर ना रहे, बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो अब मुझे एक चीज़ और करना है, ये है नींबू। तो बड़ा सा नींबू था मेरे पास में, तो उसका सारा नचा रसा मैंने निचोड़ लिया है। अब इसके बाद में हम लेंगे एक चम्मच सोडा और उसमें थोड़ा मिला देंगे पानी। अब इसको कपड़े को डिप करके क्या करना है मुझे, तो देखते रहिए। इसको बिल्कुल क्लीन करना, जिससे कि फ्रिज में जितनी भी बदबू वगैरह होती है ना, वो कभी नहीं आएगी। ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा नुस्खा है ये और ये बहुत ही काम आता है। अगर कहीं भी गंदगी हो आपके किचन में, कहीं भी हो, अगर इसको आप यूज़ करोगे ना, तो कभी बदबू नहीं आएगी। फ्रिज में पन्नी बिछाने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि अगर आप फ्रिज में पन्नी बिछाते हो तो जो सामान होता है वो एक दूसरे सामान के ऊपर जो कुछ भी गंदगी होती है वो नहीं गिरती है। जैसे दूध रखा हुआ कोई भी सामान हो तो उससे नहीं रहता। अब हम इसी तरीके से इसको डेकोरेट कर देंगे। जो सामान जहाँ का था वो मैंने वहीं पे लगा दिया है,
और देखिए ये मैंने इस तरीके से, जो अभी विंटर चल रहा है तो ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं रख रहे हैं, तो पूरा क्लीन हो चुका देख सकते हैं आप। और जो सामान रखा हुआ था तो ये सारी देखिए, सारा सामान मैंने साफ़ कर दिया है और जितनी चीज़ें हैं अभी मैंने लगा दिया है अब फ्रिज में, क्योंकि समर आ रही है तो अब इसको थोड़ा थोड़ा सा सामान इसमें रखा ही जाएगा। तो जैसा कि है बसंत पंचमी, तो आज पहले सुबह सबसे पहले मैंने फ्रिज साफ़ किया, फिर उसके बाद में पूजा वगैरह कर ली थी बसंत पंचमी की। तो आज बनानी है मुझे चने की दाल, क्योंकि पीला भोजन बनता है इसीलिए मैंने चने की दाल बनाई है। तो चने और लौकी की दाल बनाएंगे, तो इसमें गया है जीरा, हींग और लहसुन, तो अब जा रहा है इसमें प्याज और ये मिर्च जो है वो हरी तो नहीं थी, वो लाल हो गई थी तो मैंने वही डाल दी, जो आपके पास में वही डाल दीजिए। तो अब काट लेंगे टमाटर, अब ये डाल दिए मैंने हल्दी और हल्दी अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। अब ये धनिया पाउडर जा रहा है इसमें, तो इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में हम डालेंगे, देखते जाइए, इसमें डाला है मीट मसाला, आपके पास है मैगी मसाला हो या और कोई भी मसाला हो सारा डाल सकते हैं, मैंने मैगी मसाला नहीं डाला है, जो सब्जी मसाला होता वही डाला है। तो ये ज़रा नमक, अब ये लाल मिर्च पाउडर है, ये चने की दाल है, ये है लौकी, अब इसको दोनों को मिक्स करके डाल देंगे और खूब अच्छे से इसको चला देंगे थोड़ी देर तक, इसको ऐसे इसको मिक्स करते रहेंगे और उसके बाद में डालेंगे अपने अकॉर्डिंग पानी डालिएगा। तो मैंने डाला है सिर्फ एक, ये कटोरा भर के डाला है जितना मेरे पास में था, तो आप अपने दाल के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो दाल देखिए, अब इसमें लगा देना है ढक्कन, जैसे कि सबको पता है। तो एक तरफ चढ़ी है दाल और एक तरफ बन रही है हमारी रोटियां गर्मा गर्म, तो मेरा काम हो जाएगा आसान, क्योंकि अभी मुझे बनाना है चावल, तो जब तक का दाल पक रही है तब तक रोटी मैं बना लेती हूँ। अब देखिए क्या करना होगा मुझे, ये हैं चावल, तो चावल भी धुल लेंगे, पहले सबसे पहले दाल को निकाल लेंगे और यहाँ पे कपड़ा मैंने घोंच दिया और सफाई करते रहना है। और यहाँ पे ये दाल है तो दाल को क्रश कर लेंगे, उससे जो आलू वाला मिक्सर होता ना उससे मैंने मुझे करना है, तो क्योंकि चने की दाल थोड़ी टाइट होती है तो इसको ज़रूर कर लेना है जिससे कि पूरी मिक्स हो जाए, क्योंकि लौकी बच्चे नहीं खाते हैं इसकी वजह से मैंने ये कर लिया है। तो इसमें डाल देंगे धनिया और दाल हमारी बन के रेडी हो जाएगी। और ये देखिए दाल, यम्मी यम्मी सी दाल है, वैसे बसंत पंचमी है तो हैप्पी बसंत पंचमी आप सभी लोगों को, फैमिली हो आप हमारी। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मैंने टिप्स बताई आपको कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।